तो भाई लोग फिर से अगर मैं एक और बेहतरीन एकदम नेक्स्ट लेवल GTA 5 एक्सपेंडेड एंड एनहेंस की गेम प्ले वीडियो में। और भाई लोग पिछले वाली वीडियो में हम ट्रैवल से मिले थे और उसने हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए कहा था, फिर उसने हमें एक होटल भी दिलवाया था, वहां से हमने वेपन उठाया, अपनी जॉब शुरू करी। लेकिन भाई हमें जो है सिमियन ने एक बड़ी खराब सी स्कूटी सी बेच दी, टूटी सी, जिसकी स्पीड तो एकदम खत्म थी, इस वजह से हमारी जान पे बनी आई थी एक तरह से। लेकिन फिर भाई हमने सिमियन से कहा तो उसने हमें एक KTM 1290 ड्यूक भेज दी, ठीक है। और अब भाई हम आज अपनी जॉब पे उसे यूज़ करने वाले हैं। खैर कल अपनी इंटर्नशिप भी थी तो इससे आसान टारगेट मिले थे, लेकिन अब तो भाई बिल्कुल रियल टारगेट मिलने वाले हैं। और भाई लोग मजा आए तो तुम्हें पता है क्या करना है, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दो एकदम बढ़िया करके भर के। और भाई लोग सारी की सारी वीडियोस देख लिया करो GTA 5 एक्सपेंडेड एनहांस की, क्योंकि गेम काफ़ी बढ़िया और स्टोरी भी एकदम मज़ेदार है, तो मैं तो फुल आने वाला इस सीरीज में, तो सारी वीडियोज़ देख लिया करो, है ना। बताने की बात नहीं होती, अपने आप हर सैटरडे आके क्लिक करके देख ले करो, है ना। हाँ भाई इधर इधर, हाँ टॉप राइट में, हाँ। तो भाई आज क्या कहते हैं, फेस कैम यहाँ पे शिफ्ट है, क्योंकि जहाँ पे रोज फेस कैम होता है वहाँ पे बाइक की स्पीड आती है ना, तो तुम ढंग से स्पीड नहीं देख पाओगे टॉप स्पीड, तो क्यों ना शिफ्ट किया जाए, है ना। मैंने ऐसा सोचा और शिफ्ट कर दिया भाई। तो भाई अभी क्या कहते हैं, हमने एक एजेंट की यूनिफॉर्म पहन रखी है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये देखो भाई। और हेलमेट वेलमेट भी इसी में इंक्लूडेड होता है, हाथ में ग्लव्स हैं जिससे कि कहीं हमारे फिंगरप्रिंट्स ना छूटें। तो अभी क्या कहते हैं, हमारे पास एजेंट 47 का फ़ोन आया था, उसने कहा था हमारे से कि भाई तुम एक ऑफिशियल एजेंट बन चुके हो। और भाई हमारी परफॉर्मेंस देख रहा था अभी तक की, वो कह रहा था कि मैं वैसे तो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस्ड हूँ, लेकिन तुम्हारा व्हीकल जो है वो काफ़ी स्लो है, तो या तो अपने लिए कोई अच्छा सा व्हीकल ले आओ, नहीं तो गड़बड़ जाएगी काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि जैसे तुम पिछली बार बच गए थे किस्मत से, ऐसे हर बार नहीं बचने के। तो हमने ये कह दिया ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है, हमारे पास एक बढ़िया बाइक आ चुकी है। तो उसने कहा था ठीक है मुझे फ़ोन कर देना जब तुम्हें हिट विट करनी हो। और भाई उसके साथ में हमने लामा से स्टिकी बॉम्ब भी ले लिए थे, मैं तुम्हें दिखाता हूँ भाई, ये रे स्टिकी बॉम्ब। तो इसे क्या है, हम गाड़ी में चलते चलते भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसे उठा कर फेंक के मार सकते हैं। और क्या है, ये अगर हमने कहीं पर जाकर चिपका दिया ना, ये कहीं भी जाकर हम फेंकेंगे तो वहाँ जाकर चिपक जाएंगे, और भाई जैसे ही हम बटन दबाएंगे तो फट जाएंगे। और फिर भाई एजेंट 47 ने ये कहा था कि तुमने भाई शेख के साथ में क्या हरकत करी, और हमने पूछा कि क्या हो गया, तो उसने बताया कि भाई शेख कुछ बड़ा करने का प्लान कर रहा है, उसने भाई दुबई गवर्नमेंट के साथ में पार्टनरशिप करके बहुत सारे बंदे यहाँ भेजे हैं US में, US गवर्नमेंट के साथ में कुछ डील वील सेट करने के लिए। और भाई उसने गवर्नमेंट के भी कई हाई ऑफिशियल्स को ब्राइब करके करप्ट कर रखा है। फिर भाई एजेंट ने बताया कि कोई समाज सेवक लोग हैं, उसने नहीं बताया कौन, बस ने कहा कि कोई समाज सेवक लोग हैं, और उन्होंने भाई हिटमैन सर्विस को कॉन्टैक्ट दिया है कि हम जो भी बंदे हैं दुबई से आए हुए या फिर यहाँ के भी जो ब्राइब्ड ऑफिसर्स हैं, उन्हें जल्दी से जल्दी कोई बड़ी डील सेट होने से पहले रोक लें, और मतलब जो भी हों लोग उन्हें ठिकाने लगा दें। तो उसने कहा कि तुम्हें आज काफ़ी सारे और तगड़े तगड़े कॉन्टैक्ट्स मिलने वाले हैं, मतलब काफ़ी पावरफुल बंदों के कॉन्टैक्ट्स मिलने वाले हैं। तो अभी एजेंट को फ़ोन करते हैं और कहते हैं उसे कॉन्टैक्ट देने के लिए। भाई भाई काफ़ी मस्त तरीके से चढ़ती है, देखो भाई कितना स्ट्रेट चढ़ाई है यहाँ की, इस पर भी आराम से चढ़ गई ड्यूक। भाई भाई पावर के मामले में तो एकदम मस्त है ड्यूक। ठीक है भाई, तो हमारा जो टारगेट है वो आर्मी के लिए काम करता है, दुबई आर्मी के लिए, वो एक गाड़ी में है वो। ठीक है भाई, SMG निकाल ली हमने, क्योंकि वो बंदा जो है वो बाइक पे है। भाई ठोक दिया, भागते हैं भाई, वो बंदे नहीं पकड़ पाने का, मैं ट्रक व्रक में आ रहे हैं। ओ भाई आर्मी वालों ने बैरिकेटिंग कर दी, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, अभी क्या कहते हैं हम इधर के रास्ते से निकलते हैं, ठीक है। अरे यार मुझे लगा था टूट जाएगा, कोई नहीं ठीक है, ये इस रास्ते से निकल गए। और भागो भाई भागो, फायरिंग हो रही है पीछे भर के, भाग जाते हैं यहाँ से फटाफट। भाई अब आ रहे हैं तगड़े तगड़े बंदे, पिछली बात इंटर्नशिप थी, और भाई सही है अपनी 1290 ड्यूक इस चीज़ के लिए, कम से कम स्पीड की वजह से भाग तो पा रहे हैं इन बंदों से बच के। भाई मज़ा आ रहा है राइडिंग का 1290 के साथ, 230 के आसपास स्पीड जाती है इसकी, उन्हें एवरेज जो टॉप स्पीड होती है। ठीक है, तो भाई लोग हमें अपना टारगेट मिल गया है, और वो इस व्हीकल में है भाई, वो कोई गैंग मेंबर टाइप बंदा है, स्मगलिंग कर रहा है वो ड्रग्स की यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, ये ले भाई, बाय बाय सर, हैव अ नाइस डे। ओ
सॉरी सॉरी भाई, इसके ऊपर चढ़ा के निकल गया मैं बटन ढूंढ रहा था। और ये बोलते ठोक डाला। तो भाई अभी हम थोड़े से रेड लाइट से एरिया में आए हुए हैं और यहाँ पे हमें क्या है, वुमेन को एलिमिनेट करना है। वो भाई क्या है, शेख ने उसे हायर कर रखा था, जो मतलब हाई प्रोफाइल ऑफिसर वगैरह हैं उन्हें सड्यूस करके उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए। तो अगर हम उसे ठोक देते हैं तो हमें थोड़ा सा फ़ायदा मिल सकता है, ऐसा कि एजेंट ने कहा है। ठीक है भाई, सामने है वो वुमेन और हम क्या है स्नाइपर यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे, क्योंकि दूर से हिट करना है। और भाई कर दिया टारगेट एलिमिनेट। ठीक है भाई, उसके बंदों को भी पता लग गया, लेकिन हमने काफ़ी दूर से मारा था तो जब तक उन्हें पता लगा तब तक तो हम भाग भी जाएंगे। ठीक है भाई लोग, तो अभी एकदम से हम ट्रेसी कैरेक्टर पे शिफ्ट हो गए हिट करते करते, और भाई पता नहीं कैसे शिफ्ट हो गए। तो अभी क्या कहते हैं बाहर चल के देखते हैं। ठीक है भाई, तो अभी माइकल और अमेंडा की लड़ाई बज रखी थी, और भाई अमेंडा माइकल से कही थी कि तुमने जरा सी मुसीबत आती अपने लोंडे को घर से भगा दिया, उसका साथ देने की जगह और शेख की जो सिक्योरिटी है उसे और आके हमारे सिर पे बिठा रखा है। जितने भी गार्ड्स तुम देख रहे हो भाई सारे के सारे शेख के हैं, ठीक है, जितने भी यहाँ पे पूरे घर में खड़े हैं। भाई माइकल ने कही कि तुम्हारे लोंडे नहीं, पहले तो क्या कहते हैं शेख के लोंडे से बिना मतलब के सेटिंग करी मैं कहीं बिना, और फिर वे मतलब उसे जरा सी बात पर ठोक दिया और हमारे पर बेमतलब की मुसीबत ले आया, और मेरी कोई गलती नहीं है। तो भाई उसके बाद में अमेंडा हमारे पास आई और उसने कहा कि हमें क्या कहते हैं यहाँ से शाम तक निकलना है, वो तुम जो है अभी सारे के सारे सिक्योरिटी गार्ड्स का पता लगाओ कहाँ कहाँ है उनकी पोजीशन का। तो एक तो भाई यहाँ पे शेख का गार्ड हेलीपैड पे, ठीक है, कि कोई हेलीकॉप्टर ना लेके उड़ जाए। दो गार्ड्स भाई यहाँ है गेट पे, अगर हमने इस गेट से बाहर जाके मतलब भागने भूगने की कोशिश करी गाड़ी वाड़ी लेके तो हमें यहाँ पे ठोक देंगे। भाई जितने भी गार्ड हैं ना ये हमारी सिक्योरिटी के लिए नहीं है, मतलब हमें बचाने के लिए किसी अटैक वटैक से, ये भाई शेख ने हमें मतलब यहाँ पे इसे भेज रखे हैं जिससे कि हम लोग यहाँ से भाग ना सकें या फिर जब भी यहाँ ना आए उसकी हेल्प ना कर सकें हम। ठीक है, तो हम बाहर आ गए और भाई कुछ गार्ड्स यहाँ पे हैं। ठीक है भाई, दो गार्ड्स तो पार्किंग में यहाँ पे हैं, दो गार्ड्स भाई पार्किंग के बाहर खड़े हैं। भाई एक गार्ड वहाँ खड़ा है नीचे डाउन हिल, भाई बाहर निकल के एक गार्ड सामने है, स्नाइपर ले खड़ा है पहाड़ के ऊपर। ठीक है, वो अगर यहाँ से कोई भाई भागने की कोशिश भी करे तो नहीं भाग सकता, फिर अभी हम पैदल हैं तो हमें ज़्यादा दूर जाने से नहीं रोकेंगे, हमें इस साइड वाली बिल्डिंग तक जाने की परमिशन है बस, इसके आगे जा सकते हैं हम। ओए भाई लोग कुछ गार्ड्स यहाँ भी हैं शेख के इन गाड़ियों में। ठीक है, तो भाई लोग अभी हमने अमेंडा को रिपोर्ट दे दिया और इसने कहा है कि तुम बस वेट एंड वॉच करो। वो भाई तो माइकल जाके चढ़ गई ढंग से चक्कू लेकर, वो भाई माइकल ने शोर मचाना शुरू कर दिया। तो अभी क्या कहते हैं गार्ड्स वार्ड्स आ रहे हैं यहाँ पे भक्के, और अभी तो भाई गार्ड्स ने आके छुड़वा दिया इन्हें। तो भाई लोग अभी अभी हमारी अमेंडा से बात हुई है और अमेंडा ने कहा है कि हम शाम को यहाँ से भागने वाले हैं, और इसने हमारे से भी पूछा था कि माइकल को बचाने कितने गार्ड्स आए, तो हमने बता दिया कि वहाँ पे जो गार्ड है इसे छोड़ के कैज वाले गार्ड्स भी और जो गेट वाले गार्ड्स थे और जो भाई गाड़ी वाले गार्ड्स थे वो भी नहीं आए, साथ में स्नाइपर नहीं आया और जो हेलीपैड वाले गार्ड्स थे वो नहीं आए कोई से भी, ना तो नीचे जो हेलीपैड है हेलीकॉप्टर वाला उसके, ना ही जो ऊपर सबसे छत पे है हेलीपैड उसके गार्ड्स। तो अमेंडा ने कह दिया ठीक है हम आज यहाँ से भागने वाले हैं और मेरे पास एक प्लान है, तुम बस एक तो भागने का रास्ता निकाल लो कि हमें कहाँ से भागना चाहिए, और एक जो भी गार्ड्स अपनी जगह पे थे उनका कुछ इलाज निकाल लो, बाकी जो गार्ड्स भाग के आते उन्हें मैं देख लूँगी रात तक, कुछ पैसे और वेपन्स भी ले लो। तो ठीक है भाई अभी काम पे लगते हैं और शाम तक का इंतजार करते हैं। ठीक है भाई लोग, तो शाम हो चुकी है और अमेंडा ने हमारे से पूछा कि तैयार हो, तो हमने भी कह दिया कि हाँ तैयार है मैं एकदम, और अभी चलते हैं भाई हल्ला बोलने। तो अभी क्या करना है, सबसे पहले जैसा कि अमेंडा ने कहा था हमें जाना है गैस के सिलेंडर के पास। ठीक है भाई, यहाँ पे हमें ये एक बम लगा दिया। ठीक है, अब भाई फोड़ते हैं इन्हें। ओ भाई बड़ा भाई का फटा है, अभी जल्दी से भागते हैं हम ऊपर, और हमें यहाँ पे जो हेलीकॉप्टर वाला बंदा है हेलीकॉप्टर के पास में इसे ठिकाने लगाना है। तो एक काम करते हैं भाई चुपचाप जाके, ये तो अपनी जगह से हटने का नहीं, तो ये लगा दिया हेलीकॉप्टर पे बॉम्ब। ठीक है भाई, हेलीकॉप्टर फटेगा साथ में भी फट जाएगा, पता लगा नहीं इसे अभी कि हमने हेलीकॉप्टर पे बॉम्ब भी लगा दिया। अब बचता भाई जो एकदम रूफ टॉप पे बंदा है, वो यहाँ पे खड़ा है वो बंदा इस जगह के ऊपर, तो हम क्या करेंगे भाई बॉम्ब लगा देंगे बहुत सारे भर के, इतने बॉम्ब लगा देंगे कि भाई जैसे फटेंगे ना तो इनके साथ में पूरी छत फट जाएगी। और भाई अब भागते हैं यहाँ से, पैनिक मची चुका है सिलेंडर फटने से, अभी थोड़ी देर में यहाँ पे आर्मी वाले बंदे आते ही होंगे,
तो बस भागने का काम है यहाँ से। और अभी हाथ में लेते हैं हम सप्रेस्ड पिस्टल। और भाई अभी हमने मेंढा से भी आने के लिए बोल दिया है, तो जल्दी से चलते हैं नीचे। ठीक है भाई, पीछे पीछे आ रही है भाई। चीख पुकार मच गई सारे में। सारे के सारे गार्ड्स जो यहाँ पे थे, दो गार्ड्स वो तो भाग गए और जो अपनी जगह पे थे वो बचे हैं। और अभी बचता है एक गार्ड जो कि वहाँ पे नीचे खड़ा है। ठीक है, हमें उसे ठोकना पड़ेगा सप्रेस पिस्टल से, इससे पहले वो हमें देखे है। और ये गड़बड़ हो गई, ये नीचे गिर गए हम। अमेंडे पीछे पीछे आ रही है, लेकिन पहले इस गार्ड को ठोक देते हैं इससे पहले वो हमें देखे। और भाई ये मारा भर के हेडशॉट भाई। ये बंदा होमिंग लॉन्चर लेके खड़ा था यहाँ पे। ठीक है, तो हमने क्या कहते हैं फिर इसलिए से ठोक दिया, नहीं तो वहीं से भाई के मारता। ठीक है, और अभी क्या करना है हमें, यहाँ से पहाड़ पहाड़ नीचे कूद के जाना है। और अभी अपना पैर पड़ गया इसलिए हम ग्रेविटी के साथ जा रहे हैं। अरे भैया, अरे भैया, हड्डी पसी टूट गई काफ़ी अच्छे से। वेंडर पीछे पीछे आ रही है। हमें सबसे पहले कोई ना कोई बस कार पकड़नी है। ठीक है भाई, तो हमने अभी क्या कहते हैं एक बंदे को ठोक दिया है, गाड़ी थी उस पर। और ये कहाँ भगाया जा रहा है। ठीक है ठीक है, थोड़ी सी आगे जाके रुक गया उसने भाई, एक्सीलेटर पे पैर रखा हुआ था। तो अमेंडा हमारे पीछे पीछे आ रही है। हमें इससे पहले जो गाड़ी वाले बंदे उन्हें पता लगे हमें यहाँ से भागना पड़ेगा। अमेंडा के लिए गाड़ी खड़ी कर लेते हैं। ठीक है भाई, अमेंडा आ चुकी है गाड़ी के अंदर और भागते हैं अभी पहली फुर्सत में यहाँ से। इतने भाई उन गार्ड्स को पता लगेगा जो कि गाड़ियों में हैं, इतने तो हम काफ़ी दूर पहुँच जाएंगे। लेकिन ये नहीं पता कि भाई कि अभी हम जा कहाँ रहे हैं। तो भाई लोग, हमारा कैरेक्टर फिर से जीवी पे शिफ्ट हो चुका है और ट्रेसी और अमेंडा अपने घर से भाग चुकी हैं। अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम भी हो गया उस चीज़ के बाद, रात हो रखी है इस टाइम भर के। उस टाइम हल्का हल्का संध्या हो रहा था, इस टाइम पूरी भर के रात हो रही है। और भाई पता नहीं बीच में वो वाला सीन क्यों दिखाया था उनके भागने का, पता नहीं क्या बात होगी। अब आगे वो जाके जिमी से मिलेंगी, क्या होगा, क्या बात रही, कुछ नहीं पता। लेकिन हाँ, हमें बीच में ट्रेसी का भी सीन प्ले करने को मिला था। और हम यहाँ पे भी हिट करते फिर रहे हैं। अभी अभी हमने एक टारगेट को एलिमिनेट किया है, फिर से एजेंट को फ़ोन करते हैं अगला टारगेट लेने के लिए। भाई हमने पूरे दिन हिट करी हैं भाई, काफ़ी सही लगता है वैसे रात को भी शहर है। दिन में तो सही लगता ही लगता है, रात को काफ़ी सही लगता है, मतलब दिन से भी थोड़ा सा सही लगता है। अच्छा भाई, शेख ने टेररिस्ट भी भेज दिए यहाँ पे, मतलब आर्मी वार्मी वाले तो भेजे ही और सब लोग, उसने यहाँ पे टेररिस्ट भी भेज रखे हैं। और भाई अभी वो टेररिस्ट है तो हमें उसकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मिली, बस डिस्टेंस आ रहा है उसका कि कितनी दूर है, हमें उसे ट्रैक करना पड़ेगा। ओ भाई, इस टैक्सी के अंदर है आतंकवादी, वैसे तो बहुत ही प्यार से मारेंगे भाई। ये आतंकवादी जो है ना, आम लोगों के भेस में आने के लिए टैक्सी के अंदर घूम रहा है। हाँ यही है सर, सामने वाला। नहीं 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 नहीं, इसी गाड़ी पे ही लगा भी। ले बेटे, बड़ा आया आतंकवादी, फोड़ दिया बोला, पीछे धुआं धुआं कर दिया सारा। भाई वैसे ये वाले मिशन सबसे ज़्यादा मुश्किल रहते हैं जिसमें ढूंढ के ठोकना होता है, क्योंकि इसमें पता नहीं लगता किस डायरेक्शन में जाना है, कहाँ पे होगा। बाकी में तो मार्कर बन के आ जाता है, पता लग जाता है कहाँ पे जाना है, कहाँ होगा टारगेट, इसमें नहीं पता लगता। इसमें भाई डिस्टेंस आता रहता है, उसे फॉलो करके देखना पड़ता है कि अगर मतलब हम मान लो सामने जा रहे हैं और डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो इसका मतलब हमें इस डायरेक्शन में जाना है, किसी और डायरेक्शन में जाना है, या तो उल्टे जाना है मोस्ट प्रोबेबली, नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि हमें इस साइड या फिर इस साइड जाना हो, क्योंकि अगर हम परपेंडिकुलर चलेंगे तो भी डिस्टेंस बढ़ेगा ही। और साथ में भाई रिलेटिव मोशन, क्योंकि अगर वो बंदा चल रहा है वो हमारी डायरेक्शन में चल रहा है, नहीं चल रहा क्या बात है भाई, बड़ी मथापच्ची होती है भाई। कोई बड़ा बम ब्लास्ट करता यहाँ आम आदमी बन के, तो उससे पहले हमने उसी के साथ बम ब्लास्ट कर दिया। ठीक है भाई, शेख की गैंग के मेंबर आ रखे हैं यहाँ पे, टेररिस्ट गैंग मेंबर आर्मी वाले। भाई कौन कौन भेज रखे हैं इसने यहाँ लॉस सैंटोस में, वो ये करना क्या चाहता है। ठीक है, सामने है भाई उस बंदे की कार, मैं क्या करता हूँ भाई, होमिंग लॉन्चर निकाल के भरता हूँ उसमें। ठीक है भाई, मारा देख है यहीं से। ठीक है भाई, यहाँ पे कोई, ये रेल का इलाका है पूरा, जहाँ पे ट्रेन में वो सब लोड होते हैं ना, कंसाइनमेंट वगैरह। भाई साहब, सिर फोड़ दिया इसका तो पूरा, स्नाइपर मार के। ठीक है, और अब मैं भाग जाता हूँ।
भाई ये क्या कहते हैं, शेख ने किसी बंदे को ड्राइव वगैरह देखी थी अपने ड्रग्स के कंसाइनमेंट सही से लोड करवाने के लिए, कि मतलब जैसे इसके ड्रग्स के कंसाइनमेंट आएंगे यहाँ पे लॉस सैंटोस में तो उन्हें कोई दिक्कत ना होने दे, आराम से लोड अनलोड करवा दे। ठीक है भाई लोग, तो अभी हमारा टारगेट एक वुमेन है जो कि मिलिट्री के लिए काम करती है, ठीक है, और दुबई से आई है वो, तो हमें उसे हिट करना है। ठीक है, यहाँ पे लगाते हैं, यहाँ से उसका ये रहा भाई, मिल गया एंगल। और अब मैं क्या करता हूँ, सीधा भाई, ठीक है वो जा रही है, उसके पीछे गार्ड सिक्योरिटी भी थोड़ी कमी है, और ये मारा भाई शॉट। ओ भाई साहब सिर फट गया उसका, तो उसके साथ में कोई बंदे का ही फट गया भाई, डबल डबल शॉट गया। ठीक है, और इसके बंदे भाई एकदम से हमारे पीछे पड़ गए, लेकिन हम क्या है ऐसी जगह पे छुपे हुए थे ना कि वहाँ से हम बाइक लेके एकदम ऐसे निकल लिए। ठीक है, इसलिए मैंने उस जगह से मारा था इसे स्नाइपर लेके, जिससे कि हम जैसे ही शॉट मारें उसे वो बंदे तो हमारे पीछे पड़ेंगे ही, हमारे ऊपर भाई शूट करेंगे, तो हम क्या है यहाँ से बाइक लेके भाग जाएंगे एकदम से। तो भाई लोग अभी इसमें दिखाया है गेम में कि हमें काफ़ी दिन हो गए हैं ऐसी हिट करते करते, और अभी हम अपने होटल पे आए हुए थे पार्किंग में, तो भाई लोग अभी एजेंट 47 का फ़ोन आया था, वो ये कह रहा था कि वैसे तो शेख के बंदों को ठोकने के लिए कई सारे लोग हैं अभी सड़कों पे, लेकिन उन सभी एजेंट्स के बीच में से मुझे जो है तुम्हारा काम सबसे बढ़िया लगा, इस चीज़ से मैं तो बहुत खुश हूँ, लेकिन हमारे अपोनेंट्स खुश नहीं है, यानी कि शेख और पुलिस। तो उसने ये कहा कि तुम जो है KTM किलर के नाम से फेमस हो रखे हो पूरे शहर में, और जो है एक एजेंसी का फेमस होना तो ठीक है क्योंकि लोग इस पे विश्वास करते हैं और उसे ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स मिलते हैं, लेकिन एक बंदे का फेमस होना ज़्यादा ठीक नहीं है क्योंकि उसके लिए मुसीबतें बढ़ती हैं। तो एजेंट 47 ने कहा कि तुम KTM लेके तो घर से निकलोगे ही नहीं, और वैसे भी रोज़ तुम्हें व्हीकल चेंज करना पड़ेगा जिससे कि तुम एक व्हीकल से किसी की नज़र में ना जाओ, नहीं तो हम तुम्हें कॉन्टैक्ट देना कम कर देंगे तुम्हें थोड़ा सा लो प्रोफाइल रखने के लिए। एजेंट ने कहा था कि चॉइस तुम्हारी है। तो फिर भाई हमने सिमियन से बात करी, तो सिमियन कह रहा था कि ठीक है तुम्हें क्या कहते हैं व्हीकल मिल तो जाएंगे डेली चुरे हुए, लेकिन मिलेंगे तुम्हें 3 गुना प्राइस पे। सबसे पहले तो जिन बंदों के व्हीकल हैं उनके यहाँ से उठाना, अपने बंदे बढ़ाने पड़ेंगे शहर में, जो बंदे उसे व्हीकल ला कर देंगे उन्हें ठीक ठाक पैसे भी देने पड़ेंगे, साथ के साथ में जो बंदे हैं जो ज़्यादा VIP लोग हैं उनकी सिक्योरिटी से भी डील करना पड़ेगा इसे, और उस सब के बाद में एक्स्ट्रा रिस्क भी रहेगा इसके ऊपर, और साथ के साथ में भाई ट्रैकर वगैरह भी हटवाने पड़ेंगे, मॉडिफिकेशन भी करवानी पड़ेंगी, पेंट वेंट चेंज करवाने पड़ेंगे। उसके बाद में भाई माइकल से सब कुछ बचाते छुपाते हुए इसे अपने लिए भी कुछ चाहिए है, तो इसलिए इसने कहा कि भाई पैसे तो ज़्यादा लेंगे, तो हमने भाई हाँ कर दी कि या तो हम कम पैसे कमाएं और ज़्यादा रिस्क के साथ रहें, क्योंकि भाई हम डेली एक व्हीकल को यूज़ करेंगे तो पुलिस हमें चेंज करने में आसानी रहेगी, या फिर हम क्या कहते हैं ज़्यादा पैसे कमाएं और ज़्यादा पैसे खर्च करें। और भाई नई नई बाइक मिलेगी हमें रोज़, तो क्या टेंशन है भाई, क्या कार जो भी होगा इसका सही सा व्हीकल वो हमें दे देगा। तो फिर हमने कही थी सिमियन से कि ठीक है भाई आज दे दे तू कदे डिलीवरी 3 गुना प्राइस पे, तो इसने कहा कि आज डिलीवरी नहीं हो पाने की, डिलीवरी कल से चालू होगी जो डेली डिलीवरी है, आज के दिन भाई तुम अपने मस्त घर पर भी रुको। तो हमने भी कह दिया ठीक है यार आज होटल भी रुक जाते हैं और कल को जब डिलीवरी आ जाएगी तो भाई जब नई बाइक लेके चलेंगे अपने धंधे पे। तो भाई लोग आज वाली वीडियो में बस इतना ही, फेस कैम थोड़ा सा नीचे को हो रहा है, ये मैं भाई जल्दी में कैमरा सेट करा था तो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, अगली वीडियो तक फिक्स हो जाएगा। और भाई हमें पता नहीं अभी ट्रेसी का और अमेंडा का भी कुछ रोल आने वाला है इस गेम के अंदर, क्योंकि भाई अभी हम उनका एस्केप सीन भी प्ले किया था हमने, और भाई अब क्या होगा उनके साथ कैसे होगा वो आगे पता लगेगा गेम के अंदर। और भाई अब जिमी का क्या होगा, शेक पड़ रखा है इसके पीछे ढंग से, तो अब ये उससे कैसे बच पाता है, और अभी तो इसकी भाई बाइक भी मोस्ट वॉन्टेड सी हो गई। खैर उसका सॉल्यूशन भी बताया है सिमियन ने, लेकिन फिर भी भाई देखते हैं पुलिस ज़्यादा ना पीछे पड़ जाए हमारे। अगली वीडियो देखना पता करने के लिए, है ना, मिलते हैं अगली वीडियो में।